नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई है। लॉकडाउन से पहले हम मिले थे और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और मैं अजमेर था अपने होम टाउन, तो वहीं पे अटक गया लॉकडाउन के बाद। अब 2 महीने बाद, काफ़ी समय बाद वापस जयपुर आना हुआ है। लेकिन हम वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे। काफ़ी कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके थे हम, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी रूल देख चुके थे। एक बार रिवाइज कर लो सारा सब कुछ और उसके बाद शुरू हो जाते हैं हम यहाँ से। ये वीडियो देखने से पहले एक बार सारा रिवाइज कर लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे हम वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और भी जो रूल अपन ने पढ़े थे सारे देख लेना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम जो हमारा लास्ट छोड़ा था वहाँ से। और वो है, हम पढ़ेंगे दोस्तों आज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपको कुछ शब्द याद होंगे। अपन ने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा हुआ है ना? ईच, इधर, नीदर, वन, नन, है ना? वो ही है सब ये, लेकिन यूज इनका थोड़ा सा अलग है, देखेंगे कैसे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन और नन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है दोस्तों, है ना? ये शब्द पहले भी आपने देख रखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनका यूज भी देख रखा है, लेकिन छोटा सा अंतर है। वो सब हमने पढ़े थे प्रोनाउन और ये सारे हैं एडजेक्टिव। अब सबसे पहले ये शब्द प्रोनाउन कब बनते हैं, एडजेक्टिव कब बनते हैं, और ये प्रोनाउन बने तो क्या अलग रूल है और एडजेक्टिव बने तो क्या अलग रूल है, ये सारी बात अपन यहाँ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इन सबको नोट डाउन कर लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं आपके, ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन और नन। चलो, अब हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात नोट करने की है कि ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने देखे, ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन, नन, इन सब के बाद नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसी होती है दोस्तों, सिंगुलर होती है। कुछ एक्सेप्शंस अगर होंगे तो अपन बाद में जाके देखेंगे। बेसिक रूल इनके लिए ये है कि इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसे देखते हैं, ईच बुक हैज समथिंग इन इट। ये देखो, ये अपन ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर सिंगुलर नाउन, और दोस्तों हम जानते हैं कि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी है, सिंगुलर ही होनी है, इसलिए अपन ने यहाँ लगा दी सिंगुलर वर्ब। तो बेसिक बात यह है कि सिंगुलर नाउन, इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक, यहां हम प्रोनाउन भी इट लगा रहे हैं सिंगुलर, क्योंकि यहां अपन ने ये नाउन बुक लिखा हुआ है सिंगुलर। चलो, अब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर हम ईच के बाद में नाउन नहीं लिखें, जैसे हमने यहां ईच के बाद नाउन लिखा है, अगर हम इस ईच के बाद नाउन नहीं लिखें बल्कि लिख दें प्रिपोजिशन ऑफ, क्या लिख दें दोस्तों, ऑफ लिख दें, अब नियम चेंज है। सबसे पहली बात तो कि अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन के जैसे काम करने लगेगा, है ना? अब ये ईच, इधर, नीदर, वन, नन, अगर इनके बाद ऑफ आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जैसे काम करने लगेंगे, और इसके बाद जो नाउन आएगा दोस्तों वो नाउन प्लूरल हो जाएगा, ईच ऑफ द बुक्स। ध्यान देंगे, बहुत ही बारीक छोटा सा अंतर है। अगर ईच के बाद ऑफ नहीं है तो ये होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आनी चाहिए सिंगुलर। अगर ईच के बाद हम लिखें ऑफ तो ये बनेगा प्रोनाउन, और इस ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल। वर्ब अगेन सिंगुलर ही रहेगी दोस्तों, वर्ब इसमें भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी, हैज समथिंग
इन इट. कोई अंतर नहीं है सेंटेंस में, बस थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना कि ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है. अगर ईच के बाद ऑफ है या डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल होगा, और अगर प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो नाउन सिंगुलर होगा. वर्ब दोनों ही कंडीशन में सिंगुलर है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक बात समझें कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है दोस्तों, और वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है. ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन इसके, ये नोट डाउन कर लें. ये पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ गाने आपको सुनाई दिए जा सकते हैं. ये अपन ने नहीं चलाए हैं, ये हमारे फ्लैट में पास में कोई हैं तो वो लॉकडाउन में घर में बैठे मनोरंजन कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा गाने चल रहे हैं, उसकी आवाज़ आएगी. लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई में. ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं. Neither of the player performed to his best. Every members of the society Every members of the society have given his contribution चलो ये दो सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद और देखेंगे. एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं यहां पे. ईदर ड्रेस ठीक है, ये तीन सेंटेंस हम देखते हैं. चलो शुरू हो जाते हैं. पहला सेंटेंस, नीदर ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्ड टू हिज बेस्ट. देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है क्योंकि आसपास में मनोरंजन चल रहा है लोगों का, हम हमारी पढ़ाई करते हैं बढ़िया. नीदर ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्ड टू हिज बेस्ट. सबसे पहले देखो नीदर के बाद में हमको यहाँ पे ऑफ दिख रहा है. ऑफ दिख रहा है तो ये प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आना जरूरी होता है दोस्तों, है ना. एट्रीब्यूटिव यूज जब तक हो रहा है, दूसरे यूजेस बाद में पढ़ेंगे अपन, लेकिन एडजेक्टिव के बाद जनरली नाउन होता है. यहाँ नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है. और एक बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में और आज मैंने फिर से बताई कि अगर इनके बाद ईच एवरी इधर नीदर वन नन के बाद अगर ऑफ आए, एवरी के बाद नहीं आता है ऑफ, पर बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद अगर ऑफ आए तो उस ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो होगा हमेशा प्लूरल. और नाउन प्लूरल होगा दोस्तों तो हमको क्या करना है, प्लेयर्स की जगह हमको लिखना है, प्लेयर की जगह हमको लिखना है प्लेयर्स. ईदर नीदर ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्ड टू हिज बेस्ट. वर्ब देखें, वर्ब यहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म है, यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये तो सही ही मानी जाएगी, इसमें हम कोई गलती नहीं कर सकते. ठीक, अब देखें ध्यान से, अगर यहां पर ऑफ नहीं होता तो ये होता एडजेक्टिव और तब हम सेंटेंस में लिख रहे होते नीदर प्लेयर. ठीक, नीदर प्लेयर. तो नीदर के बाद अगर ऑफ नहीं आएगा तो सिंगुलर आएगा, और ऑफ आएगा तो नाउन आएगा, प्लूरल, दोनों ही सही है ये. ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल सही है. चलिए तो यहां पर गलती क्या की हमने, प्लेयर की जगह कर दिया प्लेयर्स. नेक्स्ट सेंटेंस,
एवरी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव गिवन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. ध्यान से देखें भैया इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है, एक है या एक से ज्यादा है या कोई भी नहीं है. तो सबसे पहले हमने देखा एवरी, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इसके बाद नाउन कैसा होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, नाउन होता है सिंगुलर. और सिंगुलर नाउन होगा तो मेंबर्स में से एस हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि एस जोड़ने से तो प्लूरल हो गया है, इसलिए एस हटाएं. आगे देखते हैं सेंटेंस में वर्ब ऑफ द सोसाइटी. सबसे पहले ध्यान रखें ऑफ द सोसाइटी. अच्छा यहां पर ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एवरी के बाद ऑफ आ गया ना, तो अब तो प्लूरल होना चाहिए नाउन. आपने बताया तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है. मैंने ये कहा था अगर एवरी के जस्ट बाद, हालांकि एवरी के बाद तो होता ही नहीं है, पर वैसे भी यहां पर ये नाउन आ चुका है, इसलिए इस ऑफ को अब हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये अलग चीज है, ये ठीक है. ऑफ द सोसाइटी हैव गिवन, यहां देखें वर्ब. ये नाउन हम जब एवरी के बाद में सिंगुलर लगाते हैं तो हमने यहां पर एस हटा दिया, नाउन हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी होनी चाहिए सिंगुलर और हैव की जगह हो जाएगा दोस्तों हैज. बड़े ध्यान से देखो, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक, और बेसिक के अंदर क्या है कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है. अगर ऑफ आएगा तो नाउन प्लूरल होगा, ऑफ नहीं आएगा तो नाउन सिंगुलर होगा. वर्ब दोनों ही कंडीशन में सिंगुलर होगी. यहाँ पे तो खैर पास्ट टेंस है, यहाँ वर्ब सिंगुलर कर दिया हमने. ठीक, नेक्स्ट. ईदर ड्रेस कैन बी बॉट, ध्यान देंगे यहाँ ईदर के बाद ऑफ लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो नाउन कैसा होगा सिंगुलर नाउन होगा. सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है और उसके बाद में मॉडल लिखा हुआ है, यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ना. ये तीनों सेंटेंस लिख लो, आगे बढ़ेंगे फिर. चलो अब थोड़े जो ये वर्ड्स हैं इनका बेसिक ग्रामर तो हम सीख चुके हैं, थोड़े जो ये वर्ड्स हैं इनके बीच में जो छोटा मोटा अंतर है, छोटा मोटा जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले दोस्तों ईच, यहां ध्यान दें, ईदर और नीदर, ईदर और नीदर का यूज दोस्तों हमेशा ही दो के लिए होता है, दो के लिए होता है. अगर हमको कहना हो कि दोनों में से कोई भी नहीं तो हम इसको कहेंगे नीदर का यूज कहेंगे. नीदर का यूज होता है दो में से कोई नहीं. ठीक है दोस्तों, ईदर का मतलब हम यूज करते हैं दो में से किसी एक की बात करने के लिए. ठीक है, तो ईदर का यूज हम करते हैं दो में से एक की बात करने के लिए, और नीदर का यूज करते हैं हम दो में से जब हमको कोई नहीं ऐसा बोलना हो तब हम नीदर का यूज करते हैं. लेकिन इन दोनों का यूज बेसिकली दो के लिए ही होगा. अगर दो से ज्यादा हैं तो हमको कोई और प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, हमको वन लगाना पड़ेगा, या नन का यूज हम कर सकते हैं, या ईच और एवरी का यूज हम कर सकते हैं. दो से ज्यादा के लिए हम दूसरे किसी प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे, है ना. बेसिकली नीदर और ईदर का यूज दो के लिए ही किया जाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें. देखो जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आ गया था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया, ही हैज थ्री सन्स, बट नीदर ऑफ देम लुक आफ्टर हिम. सेंटेंस देखें यहां सेंटेंस में कितनी गलतियां हैं और कैसे पूरी तरीके से सही किया जाएगा. हमने सेंटेंस पढ़ा ही हैज थ्री सन्स, शुरू करते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट ही, और ही सब्जेक्ट है सिंगुलर है, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया गया, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. थ्री सन्स आगे लिखा हुआ है, थ्री सन्स, उसके तीन पुत्र हैं, तीन बेटे हैं, बट नीदर ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी लुक आफ्टर. दोस्तों लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. ठीक, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना. तो नीदर ऑफ देम लुक आफ्टर हिम. ठीक, तो यहां सेंटेंस देखें, कितने बेटे थे उसके, तीन, और हम कहना चाहते हैं तीन में से कोई नहीं, जबकि हम ये जानते हैं कि नीदर का यूज होता है दो के लिए. लेकिन जब हम कहना चाहते हैं तीन में से कोई नहीं तो हमको नीदर के बजाय यूज करना चाहिए नन का, है ना. नीदर का यूज दो लोगों के लिए ही होगा, ईदर का यूज दो के लिए होगा, उससे ज्यादा के लिए हम
नन का यूज कर देंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस, नन ऑफ देम के बाद वर्ब शुड बी सिंगुलर, इसलिए हम लुक में क्या कर देंगे दोस्तों, एस जोड़ देंगे। नन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है, प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए दोस्तों, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। ठीक है, चलिए अच्छा सेंड वीडियो एंड तक देख लेना। मैं एक बात बता रहा था आपको कि जब अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किए थे तो अपन ने ये बात की थी कि शुरुआत में अपन जो पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कि बेसिक शुरुआत में जैसे स्टार्ट बिगिनर्स के हिसाब से सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं बेसिक, जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं, मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि पूरे वीडियो देख लो, ठीक रहेगा, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। आप ये वीडियो एंड तक देखें, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको भी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ एग्जांपल सीखने को ही मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। ठीक है, चलो अब मैं आपको ईच और एवरी के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेता हूं। ठीक, ईच और एवरी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? वैसे तो दोस्तों दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, एक जैसा ही लिखा जाता है। ईच का यूज हम प्रत्येक के लिए ही करते हैं, एवरी का यूज भी हम प्रत्येक के लिए ही करते हैं, है ना, प्रत्येक। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों के बाद ही, जैसे अगर इसके बाद ईच के बाद में और एवरी के बाद, दोनों के बाद ही नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी दोनों के बाद होती है सिंगुलर, लेकिन छोटे छोटे से अंतर हैं जो होते हैं इनके अंदर, और वो क्या है? सबसे पहले ईच जो है किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को फोर्स करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे क्लास बैठी है उसके प्रत्येक अलग अलग मेंबर को इंडिविजुअली अगर अपन को कुछ कहना हो, या इंडिविजुअल रूप से हम किसी से बात कर रहे हो, इंडिविजुअल रूप से अगर हम उस क्लास को देख रहे हो, तो ईच का यूज किया जाता है। एवरी का यूज जो किया जाता है वो पूरे ग्रुप के लिए किया जाता है। ठीक है, पूरे ग्रुप को एज ए होल कम्युनिटी देख के हम करते हैं, और ईच का यूज हम प्रत्येक मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करने के लिए करते हैं। लेकिन यहां से कोई बहुत ज्यादा खास स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जो मोटे मोटे अंतर है ग्रामेटिकली इन दोनों के बीच में वो ये है कि ईच का यूज होता है दो या दो से अधिक के लिए। ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू, जबकि एवरी का यूज किया जाता है दोस्तों तीन या तीन से अधिक। Whereas every is used for three or more than three. So what is the difference between each and every? Each can be used for two, whereas every cannot be used for two. Or more than two, each or every, both can be used for more than two. तीन के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दो के लिए केवल यूज किया जाता है। बड़ा ही स्पष्ट है, यहां से क्लियर कर लीजिए कि ईच का यूज तो दो या दो से अधिक के लिए होता है, जबकि एवरी का यूज होता है तीन या तीन से अधिक के लिए। ठीक, तो एक अंतर तो इसके बीच में ये है, ये लिख लो आप दोनों। चलो ईच और एवरी के हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे, हम एक बार पहले देख लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो ये है कि ईच और एवरी के बीच में एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि जहां हम ईच के बाद में ऑफ लिख सकते हैं, देखा था ना अभी अपन ने, ईच के बाद ऑफ आएगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, ऑफ नहीं आएगा तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन एवरी के बाद दोस्तों ऑफ का यूज नहीं किया जा सकता है। यहां एवरी के बाद अगर आपको ऑफ का यूज करना है तो या तो हमको लिखना पड़ेगा एवरी वन ऑफ, या तो हमको लिखना पड़ेगा एवरी वन ऑफ, या फिर हमको लिखना पड़ेगा यहां पर ईच ऑफ का ही यूज कर दें, पर एवरी के बाद ऑफ का यूज डायरेक्ट किया जाना बिल्कुल गलत होता है। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन को। एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन टास्क। हम सेंटेंस में कहना चाहते हैं
कि प्रत्येक छात्र को एक टास्क दिया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेंटेंस गलत हो चुका है, हमने एवरी के बाद ऑफ का यूज कर दिया है, है ना। सभी लोगों की बात करने के लिए हम यूज करते हैं ईच या एवरी का, यूज सभी लोगों की बात करने के लिए करते हैं, लेकिन अंतर कंस्ट्रक्शन में यह है कि एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं हो सकता। यह सेंटेंस यहां पर गलत हो चुका है। इसको सही करने के लिए एवरी को हटा के या तो हमको लिखना चाहिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी सही माना जाएगा यहां पर, या फिर हमको लिखना पड़ेगा एवरी वन ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा? एवरी वन ऑफ। हाँ, बाकी ग्रामर सारी सही है इस सेंटेंस की, क्योंकि ऑफ अगर लिख दिया हमने तो नाउन कैसा लिखना पड़ेगा? प्लूरल। देख लीजिए, ऑफ के बाद में हमने नाउन प्लूरल लिखा है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, यहां पर जो वर्ब है वो वर नहीं आएगी, वो आएगी वॉज, ठीक, क्योंकि एवरी वन भी सिंगुलर है और ईच का यूज भी हम सिंगुलर तरीके से करते हैं, जो मैं आपको बता दिया कि ऑफ हो चाहे ऑफ ना हो, वर्ब दोनों ही कंडीशन में सिंगुलर रहेगी, इसलिए ये वर्ब की जगह अपन क्या लिख रहे हैं? वॉज। अच्छा, एग्जाम में आपके दो दो एरर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां पे हम सीख रहे हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको एंड में सेंटेंस को पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट करना है और जितनी भी एरर्स है उसमें से हमको निकाल देनी है। तो क्या समझे हम इस सेंटेंस से? दो बातें समझे कि एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं हो सकता है और एवरी के बजाय हमको ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ का यूज करना चाहिए। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी, वर्ब की जगह हो जाएगा वॉज। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए इसको देख लेना अच्छे से। चलो, एक बहुत ही बढ़िया, अब एक और डिफरेंस है इनके बीच में, बहुत ही बढ़िया। पहले क्या है, दो रिवाइज फटाफट करा देता हूं मैं आपको। एवरी का यूज किया जाता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए, ईच का यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा के लिए। ईच के बाद ऑफ का यूज कर सकते हैं, एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं कर सकते। आगे देखें एक सेंटेंस, वी ईच हैज हमने ये सेंटेंस लिखा, वी ईच हैज, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सेंटेंस को, चलिए, वी ईच हैज सम वर्क टू डू। ध्यान देंगे यहां पर, देखो यहां जो ईच का स्ट्रक्चर है, इसका ईच का जो कंस्ट्रक्शन है बड़ा ही अलग तरीके का है। मैं इसके बारे में आपको एडवर्ब के टॉपिक में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, छोटी सी बात करना चाहता हूं। ईच जो हमने पहले पढ़ा था, ईदर नीदर, इनके और भी यूज होते हैं, कंजंक्शन के रूप में इनका यूज किया जाता है, एडवर्ब के रूप में इनका यूज किया जाता है। ईदर और नीदर एडवर्ब भी हैं, ईदर और नीदर कंजंक्शन के रूप में भी यूज होते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे होते हैं ये हम देख चुके हैं। इनके और भी जो अलग अलग यूज हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड ही बात करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा जो बात है इनके बारे में वो अपन बाद में करेंगे, ठीक। ऐसे ही दोस्तों, ईच के भी कई अलग प्रकार के यूज हैं, जो भी हैं अपन उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आसपास की बात करना चाहता हूँ। We each has some work to do. यहां पर जो each है इसकी कैसे यूज हुआ, देखो अपन ने each का यूज कैसे देखा है। Each के बाद अपन ने देखा था of, और उस of के बाद में हमने देखा plural noun. Each का एक यूज अपन ने देखा जब each के डायरेक्ट बाद में हमने देखा सिंगुलर नाउन, जब ऑफ नहीं है। लेकिन यहां पर each का यूज बड़ा ही अलग तरीके से हुआ है, और ऐसा यूज डिस्ट्रीब्यूटिव में केवल each के साथ किया जा सकता है। ना तो एवरी हो सकता है, ना इधर नीदर हो सकते हैं, ना वन नन हो सकते हैं। कब? जब किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए ईच का यूज उस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हो। व्हेन ईच इज यूज्ड टू रेफर ए प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आफ्टर द प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ये यूज हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट लिखना है वो क्या है कि इस ईच के बाद, कब? जब ये प्लूरल नाउन के या प्लूरल प्रोनाउन के बाद हो, तब जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी दोस्तों। यहां पर हैज नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा हैव। ये ईच का एक बहुत अलग यूज है। ये अगर एग्जाम्पल में, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है, मैं आपको अभी उसके बारे में बताऊंगा, काफी टफ हो जाता है ये समझना, इसलिए तीसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ईच के बारे में जो यूज है वो देखो कैसे हुआ। ईच के बाद ऑफ तो प्लूरल नाउन, अगर ऑफ नहीं हुआ तो सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर प्लूरल नाउन के बाद में ईच हो
ये स्ट्रक्चर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन प्लस ईच, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो लैंग्वेज जो अपन ने देखी वैसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो केवल एग्जाम्पल से ही इनको समझ के याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है चीज़ों को समझना ना कि रटना, ठीक है। प्लूरल नाउन के बाद अगर ईच आया है तब वर्ब हमारी हो जाएगी प्लूरल। तब वर्ब कैसी हो जाएगी दोस्तों? प्लूरल। बल्कि इन दोनों केस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, तीनों स्ट्रक्चर क्लियर हैं और एग्जांपल में मैं आपको दे चुका हूं, ठीक। चलो तो वी ईच हैज की जगह हो गया हैव, क्योंकि ईच का यूज प्लूरल प्रोनाउन के बाद हुआ है। यहां पर हम ईच की जगह एवरी का यूज नहीं कर सकते, ये भी एक डिफरेंस है ईच और एवरी के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ईच के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो फिर से करवा देता हूं। Not each of the politician is corrupt. Sentence में जो भी गलती है वो हम find out करेंगे। पहले मैं आपको तीनों जो structure हो सकते हैं each के वो लिख के बता देता हूँ। चलो तीनों स्ट्रक्चर तीनों सेंटेंस देख लेते हैं। यहां से ईच हमको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से, नॉट ईच ऑफ द पॉलिटिशियन इज करप्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ईच का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो होता है नॉट ईच, है ना। हम जब बोलना चाहते हैं कि प्रत्येक, तो हम ईच बोल देते हैं, और जब हम बोल देते हैं कि प्रत्येक की बात नहीं करनी हमको, तो हम बोल देते हैं नॉट ईच, ठीक है। तो ईच का नेगेटिव फॉर्म बनता है नॉट ईच। रूल सेम रहेगा, इसके बाद अगर ऑफ है तो नाउन शुड बी प्लूरल, और नाउन को प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं इसमें एस जोड़ देते हैं, है ना। ऑफ आया है, नॉट ईच के बाद भी अगर ऑफ आए या ईच के बाद ऑफ आए, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब होगी सिंगुलर, और ये वर्ब यहां पर लिखी हुई है सिंगुलर, बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसमें कोई गलती अब नहीं है, हमको इसको प्लूरल करना होगा, बस वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। नेक्स्ट, ईच क्वेश्चन कंटेन्स वन मार्क, प्रत्येक प्रश्न जो है एक मार्क का है, ऐसा कहना चाहता है सेंटेंस। ईच के बाद अगर ऑफ नहीं आया, नाउन शुड बी सिंगुलर, और ये हमने लिख रखा है प्लूरल नाउन, इसलिए यहां पर हमको जो नाउन है इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, और इसमें से ये एस को हटा देना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑफ आए तो नाउन प्लूरल, ऑफ नहीं आए तो नाउन सिंगुलर, वर्ब दोनों ही कंडीशन में सिंगुलर रहेगी। यहां पे भी इज सिंगुलर है, और यहां पे भी देखें कंटेंस में हमने एस जोड़ रखा है, और जैसा कि हम पहले अच्छे तरीके से देख चुके हैं अगर किसी वर्ब में एस जोड़ा जाए तो वो वर्ब कैसी हो जाती है दोस्तों? सिंगुलर हो जाती है। तो ये सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है, ये भी सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है, नाउन यहां पर प्लूरल, यहां पर सिंगुलर है। तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी ईच की, द वर्कर्स ईच हैज देयर ओपिनियन अबाउट इट। द वर्कर्स यानी कि प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के बाद अगर ईच का यूज हुआ है, अगर प्लूरल नाउन को रेफर करने के लिए ईच का यूज हुआ है, तब हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाती है। इसलिए यहां पर हम हैज की जगह क्या लिख देंगे, यहां पर हम हैज की जगह लिख देंगे हैव। प्रोनाउन को बाद में देखेंगे, यहां देख सकते हैं आप प्रोनाउन भी प्लूरल लिखा हुआ है, क्योंकि ये वर्कर्स के लिए यूज हुआ है, वर्कर्स प्लूरल, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव दे का हो जाएगा देयर, ये प्लूरल प्रोनाउन यहां पर यूज हो जाएगा, और ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए ईच के ये तीन फॉर्म बनते हैं, बाकी ईदर नीदर वन नन और एवरी के दो ही फॉर्म बनते हैं, बल्कि एवरी का तो एक ही बनता है, क्योंकि एवरी के बाद ऑफ का यूज भी
नहीं हो सकता है। तो इधर नीदर वन नन के बाद दो बन सकते हैं और ईच के ये तीन बन सकते हैं, और ये मैंने सारे आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिए। तो यहाँ से हम तीन बात सीखें, तीन डिफरेंस सीखें ईच और एवरी के बीच में, कि ईच के बाद ऑफ का यूज़ हो सकता है, एवरी के बाद ऑफ का यूज़ नहीं हो सकता है। ईच का यूज़ दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है, एवरी का यूज़ तीन या तीन से अधिक के लिए किया जाता है। और तीसरा, प्लूरल नाउन के बाद हम ईच का यूज़ करते हैं, एवरी का यूज़ नहीं करते हैं। ये सबसे विशेष डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसको पूरे तरीके से पढ़ लें, है ना। किसी चीज़ के बारे में आधी अधूरी जानकारी, वो हमको उतना फ़ायदा कभी नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए पूरी जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ईच के ये जो दो ऊपर वाले जो यूज़ अपन ने पढ़े थे पहले दो सेंटेंस में, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत जगह मिलते हैं, इसलिए ये सारे स्टूडेंट्स को पता होते हैं। लेकिन जो तीसरा है वो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से सीखनी है, अगर अच्छा एग्ज़ाम में पास होना है, तो सारी चीज़ किसी बारे में हमको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से। देखें सेंटेंस, थ्री एजेंसीज, हैदराबाद पुलिस, NIA एंड CIA प्रोब द केस। बट Each seem to have magnified the initial errors अच्छा है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखें। थ्री एजेंसीज, हैदराबाद पुलिस, NIA एंड CIA प्रोब द केस, बट ईच सीम टू हैव मैग्नीफाइड द इनिशियल एरर्स। शुरू से सेंटेंस देखते हैं, थ्री एजेंसीज, थ्री के बाद में नाउन प्लूरल लिखा हुआ है। थ्री एजेंसीज कौन कौन सी? हैदराबाद पुलिस, NIA और CIA। ये इन तीनों ही एजेंसी के बारे में हमको जानकारी मिली है। प्रोब, ये हमारी वर्ब है, प्रोब का मतलब हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करना, लुक इन टू समथिंग, है ना। तो प्रॉब हमारी वर्ब है, प्रॉब कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ना पड़ता है, हमने एस नहीं जोड़ा, क्योंकि प्रॉब क्या है, जो हमारी प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब क्यों है? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है अभी तक थ्री एजेंसीज, और थ्री एजेंसीज प्लूरल, इसलिए वर्ब प्लूरल, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, ये प्रॉब बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, प्रॉब द केस, बट कंजंक्शन लगाए, कंजंक्शन के बाद में फिर से सेंटेंस होगा। बट ईच सीम टू हैव मैग्नीफाइड द इनिशियल एरर्स। बहुत ध्यान से पढ़ें, क्या होता है, सेम वर्ब है, ईच तो हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव है, या तो एडजेक्टिव या प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो ईच के बाद होना चाहिए ऑफ, और एडजेक्टिव भी कैसे हो, उसमें तो होना चाहिए ईच के बाद सिंगुलर नाउन। यहां पर ना तो सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, ना ही ऑफ लिखा हुआ है, यानी कुछ तो समस्या है, है ना। दूसरी बात क्या होता है, जल्दी जल्दी में या जब तक नॉलेज हमारे पास पूरा नहीं होता है, हम क्या करते हैं, सीम को कर देते हैं सीम्स, है ना, गलती निकाल देते हैं कि सीम को कर दें सीम्स, और हम जोड़ देते हैं कि हमारे तो 40 नंबर बन गए, 42 बन गए, 44 बन गए, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अपन को बाद में 0.5 माइनस के दे जाते हैं। तो सीम को सीम्स करने से क्या होगा दोस्तों, ये देखो, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, है ना। सिंगुलर कैसे हो जाए, क्योंकि ईच के बाद तो हमको ईच के बाद ना तो नाउन दिखा है, ना ही ऑफ दिखा है, यानी कि यहां जो ईच का यूज हुआ है ये इस प्लूरल नाउन यानी कि थ्री एजेंसीज को रेफर करने के लिए हुआ है, ये ईच का जो यूज है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा समझें आप। यहां जो ईच का यूज है ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ना उस प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि ना तो ऑफ है, ना इसके बाद सिंगुलर नाउन है। तो यहां पर जो ईच है ये उस प्लूरल
नाउन को रेफर करने के लिए हुआ है. कौन सा प्लूरल नाउन? ये ईच, ये थ्री एजेंसीज को. और थ्री एजेंसीज को मैं बता चुका हूं आपको कि जब ईच का यूज किसी प्लूरल नाउन को रेफर करने के लिए हो तो उसके बाद वर्ब प्लूरल होती है. इसलिए सीम को सीम्स नहीं करना है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, नो एरर है. बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो एरर है. अगर मान लीजिए यहां पर सेंटेंस में सीम था कि सीम्स था, ये हाँ सीम ही था, तो ये नो एरर है ना. अगर इस सेंटेंस में एस जोड़ दिया होता तो हमको क्या करना पड़ता, इसको हटाना पड़ता, लेकिन तब हम इसको नो एरर में भेज सकते थे. कुल मिला के ये बात है, यहाँ पे वर्ब का बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना ईच के सारे यूजेस पढ़ देना. अब एक दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा भी ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. अच्छा, एक एक एग्जाम्पल, एक एक नोट जो मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ उसको बाद में अच्छे से देख के अपनी नोटबुक में लिख लेना, सारे रूल्स लिख लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा पढ़ाऊँगा जो आपने पढ़ी है, बहुत कॉमन चीज़ें वो भी, और बहुत एडवांस और अच्छे लेवल के जो बहुत कॉमन नहीं है वो चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में. अभी क्या है, हमारा पहला टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड को कंट्रोल करके चल रहे हैं कि सभी एक बार इंग्लिश को थोड़ा सा समझना शुरू कर दें, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से बाद में और पढ़ेंगे. चलें, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए. ऑलमोस्ट ईच हाउस हैज बीन सैनिटाइज्ड, है ना. अभी जो माहौल चल रहा है उसमें सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हम इस सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट ईच हाउस हैज़ बीन सैनिटाइज्ड. अब यहाँ पर देखें आप, एक अलग से रूल है, ध्यान रखें, तीन शब्द ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नियरली, इन तीनों के बाद या ऐसे एडवर्ब के बाद हम ईच का यूज नहीं करते हैं बल्कि एवरी का यूज करते हैं. बहुत इनफॉर्मल हो जाएगा यहां पर ईच, तो ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नियरली इन एडवर्ब के बाद में ईच के बजाय एवरी का यूज किया जाता है. नाउन और वर्ब अगेन वो है, नाउन एवरी के बाद सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी सिंगुलर ही होगी. बिल्कुल सही है, ये दोनों सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. लेकिन जो एडवर्ब है हमारे, ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली और नियरली, इन तीनों के बाद हम ईच का यूज नहीं करते हैं बल्कि एवरी का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस की गलती है. आप एक नोट अब लिख लीजिए, जो चौथा डिफरेंस है ईच और एवरी के बीच, कि ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली और नियरली के बाद ईच का यूज नहीं किया जाता है बल्कि एवरी का यूज किया जा सकता है. एक और सेंटेंस देख लेते हैं अपन. Nearly each item has been sold. हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास थी हम बेच चुके हैं, है ना, प्रत्येक वस्तु बेची जा चुकी है. नियरली एडवर्ब मैंने अभी बताया था, ऑलमोस्ट नियरली और प्रैक्टिकली के बाद ईच का यूज नहीं करना है, एवरी का यूज करना है. बाद की सारी बातें चेक कर लेते हैं. एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है, बिल्कुल सही है, और वर्ब भी सिंगुलर होते हैं, ये भी सही है. गलती क्या है, नियरली के बाद एवरी का यूज नहीं करना है, ठीक है. तो ये चौथा यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अनकॉमन है, इसलिए आप लोगों को शायद पता ना हो, ये आप जरूर लिख लें. चलिए, अब मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूं कि क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, कोरोना वायरस चल रहा था, तो कुछ लोगों ने, या बल्कि ज्यादातर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया, यानी घर से ही वो अपना काम करते हैं. तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो आजकल वर्क फ्रॉम होम करता है और वो यहां प्रत्येक दो महीने बाद या प्रत्येक दो हफ्ता के बाद आता है, दो हफ्ते के बाद आता है. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं अपन इस सेंटेंस को.
ही वर्क्स फ्रॉम होम. इन दिनों के लिए हम यहां पर दीज डेज लिख सकते हैं. यहां पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी लिख सकता हूं, पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी ठीक है. एक फैक्ट स्टेटमेंट हमने कहा ही वर्क्स फ्रॉम होम दीज डेज, आजकल वो अपने घर से कार्य करता है. कॉमा ही कम्स हियर एवरी 2 weeks. ठीक, प्रत्येक 2 महीने में वो यहां आता है. ही वर्क्स फ्रॉम होम. अब यहां पर थोड़ा सा इस सेंटेंस के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि यहां आपको एवरी के बाद एक प्लूरल नाउन दिख रहा है. एवरी के बाद क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो क्योंकि हम यहां पर ड्यूरेशन एक फिक्स्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं, और एक फिक्स्ड इंटरवल और एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ईच के बजाय हम एवरी का यूज करते हैं. यहां पर ईच का यूज नहीं कर सकते, या हम नहीं लिख सकते कि ईच 2 वीक्स, ही कम्स हियर ईच 2 वीक्स. ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता इस सेंटेंस में. काहे नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि दोस्तों यहां पर हम एक फिक्स ड्यूरेशन और इंटरवल की बात कर रहे हैं. तो आप एक अगला नोट लिख दीजिए कि जब हम बात करते हैं फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स इंटरवल, किसी समय अंतराल की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट अ फिक्स टाइम इंटरवल, ईच इज नॉट यूज्ड, एवरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईच. ईच के बजाय इस केस में एवरी का ही यूज किया जाएगा. अच्छा, यहां पर एक सेंटेंस में मैंने एक और सिचुएशन बनाई है कि यहां पर प्लूरल नाउन लिखा है. अब आपको एक कहानी याद आ सकती है कि एवरी के बाद में तो प्लूरल नाउन होता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर एक कार्डिनल, एक नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है यहां पर, कार्डिनल लिखा हुआ है. ऐसे में इसके बाद प्लूरल नाउन बिल्कुल यूज की जा सकती है. हम क्या करते हैं, किसी रूल को इतना ज्यादा ढंग से याद कर लेते हैं कि फिर हम उसके बाद में जो भी कुछ चेंज हुए उसको देख ही नहीं पाते. हमने याद कर लिया बहुत ढंग से कि एवरी के बाद में नाउन होता है सिंगुलर, नाउन होता है सिंगुलर. अब इस बार बदलाव क्या आया वो नहीं दिख रहा है हमको, हम तो सीधा वीक्स में से ऐसे हटाने पे तुल जाएंगे, है ना. लेकिन याद रखना कि यहां पर ये कार्डिनल लिखा हुआ है, वीक्स ही लिखा जाएगा यहां पर. एक तो टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरवल की बात कर रहे हैं, और दूसरा यहां पर कार्डिनल लिखा हुआ है. तो इस केस में एवरी का यूज किया जाएगा ईच के बजाय जब इंटरवल की यूज कर रहे हैं. और दूसरा, कार्डिनल अगर यहां पर कोई गिनती लिखी हुई है या कोई और डिटर्मिनल लिखा हुआ है तो यहां पर नाउन प्लूरल बिल्कुल लिखा जा सकता है. और सेंटेंस देख लो ऐसे चाहो तो. I visit this place each 15 days. क्या कहना चाहते हैं हम सेंटेंस में कि मैं इस स्थान पर प्रत्येक 15 दिन में या हर 15 दिन में घूमने आता हूँ या घूमने जाता हूँ या घूमता हूँ. I visit this place. अच्छा, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, हिंदी में appropriate कैसे बोला जाएगा, हम मतलब समझ गए, सेंटेंस के पास बहुत है. I visit this place, मैं इस place पे आता हूँ. ग्रामेटिकल बिल्कुल एरर ढंग से चलनी है. हम यहाँ पर क्या इंटरवेल ही तो दिखा रहे हैं, इस जगह पे घूमने आने का जो फिक्स टाइम इंटरवल है मेरा वो क्या है, 15 दिन का. और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो ईच के बजाय हम एवरी का यूज़ करेंगे. ईच के बजाय हम किसका यूज़ करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने बहुत अच्छे से नियम याद रखा, ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, तो हम क्या करते हैं, या एवरी के बाद में डेज में से एस हटाने को तैयार हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी के बाद नाउन होना चाहिए सिंगुलर. लेकिन दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है, इसलिए ये नाउन प्लूरल ही रहना है, इसको सिंगुलर ना करें, समझे. तो इसलिए जब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो तो उस समय अपने आप को भी ढालना चाहिए, बहुत ज़्यादा याद करके रट के ना चलें, नहीं तो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होने लगेंगे. आज ईच और एवरी और डिस्ट्रीब्यूटिव के ऊपर मैंने बात करी है, सारा वीडियो देख लेना, सब नोट्स बना लेना, सारे एग्जांपल्स लिख लेना. कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बता देना, और उसके बाद आगे जो बढ़ेंगे हम वीडियो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें.